मैं आज आपको होममेड गरम मसाला बनाना बता रही हूँ। उसके लिए हमने 4 टेबल स्पून काली मिर्च, जिसे ब्लैक पेपर भी बोलते हैं, दालचीनी, 3 इंच की लंबी 6 डंडी ले ली है जिसे हमने तोड़ लिया है, बड़ी इलायची 8 पीस, हमने यहाँ पे स्टार एनिस लिए है जिसे बादियान के फूल भी कहते हैं, ये 7 पीस है, जीरा 4 टेबल स्पून, लौंग 1 टेबल स्पून, हरी इलायची यानी छोटी इलायची हमने ये 25 पीस ली है, 1 पीस जायफल, तेज पत्ता 5 पीस, 2 टेबल स्पून सौंफ, जावित्री 1 टेबल स्पून, शाहजीरा 1 टेबल स्पून। हम सब मसालों को 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे, थोड़ा सा इसे हम गरम करेंगे। आप चाहे तो गैस में गरम कर ले, या अच्छी धूप कड़ी धूप निकली हो तो 1 घंटे के लिए आप धूप में रख दें ताकि इसका थोड़ा मॉइस्चर निकल जाए और अच्छे से ये ड्राई होकर बारीक पाउडर तैयार कर लेंगे। तो हम इसे माइक्रोवेव में रख देते हैं। ये अच्छे से 30 सेकंड में गरम हो गए हैं, इन्हें हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे बारीक पाउडर तैयार कर लेंगे। गरम मसाला जो हमने गरम किया था माइक्रोवेव पे, ये ठंडा हो चुका है, तो हम जायफल को थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे। इसी तरह हम सारे मसालों को डाल देंगे। थोड़ा तोड़ा देखो, इसे पीस लेते हैं। ये देखिए घर का एकदम बारीक पिसा हुआ मसाला तैयार हो गया है, इसे हम एक पे निकाल लेते हैं। टाइट कंटेनर में भरकर इसे हम 6 महीने तक रख सकते हैं और इसे आप वेज नॉन वेज अपने मन पसंद की कोई भी डिश जिसमें आपको गरम मसाले की जरूरत हो आप उसमें इस्तेमाल करें। ये खाने का स्वाद और बढ़ा देता है, मार्केट के कोई भी पीसे मसालों से अच्छा है। आप घर में लाकर ये पूरे खड़े गरम मसाले पीसे, इनकी खुशबू और टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। Oh, 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 oh